हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ यूनिक फंक्शन, मींस यूनिक फॉर्मूला के बारे में हम सीखने वाले हैं, जो कि गूगल शीट में होती है, एक्सेल में यूनिक फॉर्मूला नहीं होता है। बात करूं मैं यूनिक की, तो आप ये यूनिक शब्द सुन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, एसक्यूएल में सुन चुके हैं। यूनिक का मीन्स होता है प्राइमरी की, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो ठीक है। तो इसमें हम यूनिक फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं और वो काम क्या करेगा, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिक फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहां पे एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, ये एम्प्लॉय का नेम है और यहां एम्प्लॉयज की सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी की डिटेल यहां है, एम्प्लॉय कोड यहां है और एम्प्लॉय नेम यहां है। इसमें अगर किसी एम्प्लॉय का नाम दो बार आ गया है, ठीक है, सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का नेम दो बार आ गया है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा, यूनिक नहीं होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए वो यूनिक नहीं होगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, लिखेंगे यूनिक। तो यहां पे यूनिक जैसे ही मैं लिख रहा हूं तो यहां पे यूनिक वाला फॉर्मूला शो हो जा रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने तो यहां इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में हम यूनिक की को फाइंड करना चाहते हैं कि यूनिक नंबर कौन कौन से हैं। तो यहां पर इसको हम करेंगे सेलेक्ट, आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये A2 से लेके ये 9 तक ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना है इसको क्लोज, ठीक है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो यूनिक एम्प्लॉय कोड्स हैं वही यहां शो होंगे, बाकी का इसको ये हटा देगा। तो यहां पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो S01, S02, S04, S05, S06, S08, ठीक है, यही शो हो रहा है, ठीक है। यहां पर S01 दो बार आ चुका है तो ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि एक नंबर ऐसा है जो दो बार आया है, दो नंबर ऐसा है जो दो बार आया है, जैसे कि ये है, देखिए देख सकते हैं ये जो है रिकॉर्ड्स चार बार जो एंटर हुए हैं, एक रिकॉर्ड दो बार आया, जैसे S01 यहां पर भी है और S02 यहां पर भी है। दैट्स वाई ये यूनिक फॉर्मूला इसको हटा दे रहा है और ये यूनिक फॉर्मूला यही काम भी करता है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं कि नेम में इसको कैसे ये हम करेंगे, ठीक है, नेम में कैसे लगा सकते हैं। तो वही चीज है, यहां पे लिखेंगे यूनिक, लिखा हमने यूनिक, ठीक है, और यहां से इसको ड्रैग करवाइए आप। इसमें जो नाम एक बार आया है सिर्फ वही नाम यहां प्रिंट होकर आएंगे, बाकी नेम हटा देगा ये। तो यहां पे देख सकते हैं आप अमृत, राम, श्याम, रानी, रिद्धिमा, सीमा, सुनीता, यही नाम प्रिंट होके आए हैं। यहां पे एक नाम दो बार आया है, जैसे कि राम दो बार आया है, तो राम को एक बार जो दो बार आया है उसको एक बार उसने हटा दिया, यानी कि इसको पूरा यूनिक बना दिया। ये यूनिक फॉर्मूले का काम है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी में भी अगर कुछ यूनिक होगा तो वो यूनिक निकाल कर देगा, अगर कोई चीज रिपीट होगी तो उसे ये हटा देगा। जैसे सपोज कीजिए इसको हम चेक करते हैं, इसमें चेक करना है कि यूनिक सारी वैल्यूज हैं या नहीं, तो एंटर करेंगे हम तो यहां पे देखिए सारी वैल्यूज यूनिक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठों वैल्यूज यूनिक हैं। अगर हम यहां पर सेम वैल्यू यहां पे लिख देते हैं कोई, तो यहां पे देखिए अपने आप ये चेंज हो जाएगा। यहां पे देखिए 5, 8, 2, 0 अगर मैं लिखता हूं यहां पे और एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे एक वैल्यू घट गई अपने आप, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये यूनिक फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वीडियो फ्री में सब तक पहुंच सके। और भी गूगल शीट के एक्साइटिंग फीचर्स हैं, इसको हम ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको डेटा क्लाउड पे रखना है, यानी ईमेल पर रखना है या कहीं उसको ट्रांसफर करना है, तो यहां से हम इसको सेव करेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहां पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस बताइए कहां पे इसको आप सेव करना चाहते हैं, ठीक, यहां पे क्लिक किया हमने और यहां पे वो ईमेल एड्रेस हम डाल देंगे, जैसे मैंने डाला, ये हो गया हमारा ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब इसको सेंड कर दीजिए आप, तो ये सेंड हो गया, ठीक है, शेयर्ड विथ वन पर्सन, यहां पे आ गया ना।
तो इस तरीके से करके हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड पर डेटा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं गया और यहां से हम शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू, ठीक है, तो यहाँ पे कैन एडिट दिया हुआ है, ठीक है, यहां से आप टिक जिस पे कर देंगे वो फीचर अप्लाइड हो जाएगा। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं अपने पे तो भेजता ही हूं, साथ ही साथ एक और ईमेल आईडी टाइप करता हूं, जैसे सपोज कीजिए डमी ईमेल आईडी कोई भी टाइप कर देता हूं, ठीक है, ये टाइप किया हमने तो ये हो गया। तो अब शेयर करना इसको, तो यहां पे नोट कुछ दे देते हैं, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से इसको सेंड कर दीजिए, तो ये सेंड हो गया, ठीक है, शेयर्ड विद टू पीपल्स, तो यहां दो लोगों को ये चला गया। तो इस प्रकार से गूगल शीट हमारे लिए फायदेमंद है, जो कि फीचर्स एक्सेल में नहीं मिलते हैं वो आपको गूगल शीट पे मिल जाएंगे। तो ये फायदा है एक्सेल को न यूज करके गूगल शीट को यूज करने का। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।